बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक कुकिंग चैनल जोया विलेज फूड। आज हम व्यूअर्स बना रहे हैं कीमा मटर। तो कीमा मटर बहुत शानदार बनता है, तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने एक कप कुकिंग ऑयल जो है देगचे में चढ़ा दिया है और इसको गर्म कर दिया हमने। अब हम इसमें 3 अदद दरमियाने प्याज काट के बारीक हम इसमें डाल दे रहे हैं। और इनको हमने ब्राउन करना है। तो प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, इसी तरह हमने कच्चा पका ही रखना है, क्योंकि ऑयल गर्म होने के बाद प्याज जो है बहुत जल्दी अपना रंग चेंज करता है। थोड़ा सा इसका कलर वो डाल कर लेंगे। बस ये प्याज का परफेक्ट कलर आ गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच के करीब वो हम डाल देंगे। अदरक लहसुन को भी 2 मिनट भून लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल में ये फ्राई हो जाए। तीन अदर टमाटर थे हमारे पास बड़े साइज़ के, वो हमने बारीक बारीक काट के इसमें डाल देने। टमाटरों को भी अच्छे से हमने भून लेना है। जी व्यूअर्स, तो टमाटर हमारे हाफ डन हो चुके हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले जो हैं वो हम डाल देंगे इसमें, जिसमें हमारे पास लाल मिर्च है 1.5 चम्मच के करीब, 1 चम्मच हमारे पास नमक है, हल्दी 1/2 चम्मच है और ज़ीरा 1 चम्मच है और सूखा धनिया का पाउडर 1 चम्मच है। ये 5 मसाले हैं हमारे, ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और टमाटरों के साथ इनको भी अच्छे से भून लेंगे, हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि ये कि मसाले हमारे नीचे लगे नहीं और टमाटर के गलने तक इनको भूनते रहेंगे। जी बस टमाटर और मसाले जो है हमारे भून चुके हैं अच्छे से, ये देखें, और ऑयल जो है मसाले से अलग हो गया है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे, 1.5 पाव के करीब मटर है हमारे पास छिले हुए, ये हम इसमें डाल देंगे और इनको भी भून लेंगे हम। जी व्यूअर्स, तो हमारे मटर जो है हमने भून लिए अच्छे से। अब हम इसमें कीमा जो है बारीक मशीन का कीमा किया हुआ हमने धो के और पानी इसका निचोड़ लिया था, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, तो कीमे को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट हमने कीमे को भूनना है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डाल दें, अगर नहीं ज़रूरत है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है इसका। धीमी आंच पे इसको भूनते रहें। तो कीमा मटर हमारे तैयार हैं, देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया और देखें तरी कितनी अच्छी है, ऑयल अलग हो गया कीमे से। अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा सा धनिया हम इस पर डाल देंगे,
गार्निश करने के लिए। तो ये व्यूअर्स हमारी वीडियो थी कीमा मटर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।